उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम दी अदालत दे अंदर हाजिर हुए और आकर के अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे पैगंबर ए दसो, मन नजात हो निजात केड़े काम में चे, केड़ा अमल करीजिए जिड़े अमल दे जरिए अल्लाह रब्बे जुल जलाले वल इकराम साकू निजात अता करे। और निजात तो मुराद फमन ज़ुहज़िहा अन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जहन्नम तो जड़ा बंदा बच गया और अपने आप को जड़ा बंदा जन्नत दे अंदर दाखिल करा गए वो समझो कामयाब हो गए, निजात पा गए। मन नजात हो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ए दसो निजात केड़े काम में जे, केड़ा काम करीजे जेड़े काम करण दे नाल मुसीबत तो निजात मिले, दुख तो निजात मिले, तकलीफ तो निजात मिले, परेशानियों तो निजात मिले, अल्लाह दे हर किस्म दे अजाब और हर किस्म दी आफत तो निजात मिले, हत्ता कि अल्लाह ताला दी जहन्नम तो निजात मिले। मन नजात हो या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे रसूल ए दसो निजात केड़े काम में जे। नबी करीम अलैहि सलाम ने जवाब दे अंदर इरशाद फरमाया, अमसिक अलैका लिसानक, अपनी जुबान ते कंट्रोल रख, अपनी जुबान ते काबू रख और अपनी जुबान दी हिफाजत कर। जबान दा हिफाजत करना, जबान ते कंट्रोल करना, जबान को काबू रखना, ये एक ऐसा अमल है जिस दे जरिए बंदा दुनिया आखरत दे तमाम किस्म के मुआमलात निजात पा सकदे। जबान का ख्याल कर, जबान एक ऐसा लोथड़ा है, जिसम का एक ऐसा उज्व है जिंदे जरिए बंदे दे अच्छे और बुरे की पहचान थी है। जबान के जरिए ही बंदे दे अखलाक दा और बंदे की बद अखलाकी का पता लगता है। जबान एक ऐसा हिस्सा है जिसम का जिसके जरिए बंदे दे दिल के इरादे की तर्जमानी थी है। जबान एक ऐसा जिसम का लोथड़ा है जेड़े वेले बंदे दे दिल च कोई कम करन दा ख्याल पैदा होवे, दिल अपने ख्याल को दिमाग की तरफ धकेल लेंदे, दिमाग हूँ दिल दे इरादे को ओके करें दे, दिल और दिमाग अल्लू है अपने इरादे को जेड़ा फाइनल शुदा इरादा होंदे, ये फाइनल शुदा अजम होंदे, ये अपने प्लान और प्रोग्राम को जबान की तरफ धकेल लेंदन। जबान तर्जमानी करें दी है कि बंदे दे दिल दिमाग ने क्या प्लान बनाए। जब तक जबान ना खुले बंदे दे प्लानिंग दा नहीं पता लगता, जबान दे जरिए ही पता लगदे कि बंदे ने दिल दे अंदर क्या सोचा हुआ है। और जबान एक ऐसा हिस्सा है अल्लाह तबारक व तआला बंदे दे जन्नती होवन दा अगर फैसला करें दे तो बंदे दी जबान देख के, और अगर बंदा जहन्नम च वेंदे तो बंदा अपनी जुबान की वजह तो वेंदे। नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी हदीस मुबारक है, बंदा अच्छे अमल कर 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 के जन्नत दे किनारे ते पहुंच चुका होंदे, बस कोई एक अमल ऐसा जड़ा अल्लाह को प्यारा लगे ये करे तो बस अल्लाह ही को जन्नत दे अंदर दाखिल कर देवे। लेकिन जन्नत दे किनारे ते पहुंच चुके अपनी जुबान तो एक ऐसा जुमला बोलेंदे, अपनी जुबान तो एक ऐसा लफ्ज बोलेंदे जड़ा अल्लाह ताला दी नाराजगी दा अल्लाह दे गैज़ो गज़ब दा जरिया बन दे, अल्लाह ही को जन्नत दे किनारे तू हटा के जहन्नम दे किनारे ते खड़ा कर दे। और बंदा बुरे अमल कर करके जहन्नम दे किनारे ते पहुंच चुका होंदे, ऐसा कोई जुमला जुबान तू अलेंदे जड़ा अल्लाह दी रजा दा जरिया बन दे, अल्लाह ही को जहन्नम दे किनारे तू हटा के जन्नत दे किनारे खड़ा कर दे। गोया के बंदा जन्नती बन दे ता जबान दी वजह तू, और बंदा जहन्नमी बन दे ता जबान दी वजह तू। नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम के पूछा गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दसो सारी एक हमसाई औरत है, नमाजें दी पाबंद है, तहज्जुद गुजार है, सौम सलात दी पाबंद है, साहेब तकवा है, नेक खातून है, लेकिन उनकी जुबान दी कैफियत और हालत है कि उनकी जुबान दी शरारत के दूजे लोग महफूज कोई नहीं। अल्लाह दे पैगंबर ये दसो उनकी जुबान दी शरारत दी वजह तो उनके बारे क्या मसला है, क्या आया उनके आमाल उनकी इबादत उनका रोज़ा उनका हज उनकी ज़कात को फ़ायदा देसी कि ना देसी।
आपने फरमाया अगर उनकी जुबान अच्छी नहीं, उस जबान ते कंट्रोल नहीं कर सकती, उस जबान की मुहाफिज नहीं हो सकती, फरमाया हे अफिन नार, अल्लाह ने उनका ठिकाना जहन्नम बनाया।